गड्ढे में गिरने से बचा रहे हैं प्रज्ञान रोवर को। 200 साइंटिस्ट लगे हुए रात भर काम करने के लिए। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो कि सीधा इधर से लेकर आ रहे हैं हम आपके पास। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है, प्रज्ञान रोवर को एक बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पूरे 200 के 200। 4 दिन तक लूनर डे चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है प्रज्ञान रोवर को, और सारे साइंटिस्ट और सोमनाथ जी लगे हुए हैं ताकि उन 14 दिनों में वो सब चीजें कर लें जो उनको इतना डेटा और इतनी इन्फॉर्मेशन देते, जिसके ऊपर वो स्पेस के अंदर और पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसी जानकारी की मदद से वो एक्सपेरिमेंट्स और वो एक्सप्लोरेशन कर सके जिससे सारी दुनिया का तख्ता ही पलट जाएगा और ह्यूमैनिटी के लिए एक नया मोड़ आ जाएगा। दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो में क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगर 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर काम करेगा तो 14 दिनों के बाद क्या होगा, क्या वो एकदम खराब हो जाएगा या फिर वो फिर भी ठीक किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, बने रहे इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, साउथ पोल जो कि बहुत खतरनाक इलाका है, हमने ये तो बताया था कि वहाँ पे रोशनी कम होती है, लेकिन वहाँ पे क्रेटर्स भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं जिनसे खतरा है प्रज्ञान रोवर का। अगर प्रज्ञान रोवर उन गड्ढों से टकरा गया या फिर किसी क्रेटर के अंदर गिर गया तो दोस्तों ये मानिए कि पूरा जो प्लान था, पूरी जो रिसर्च करनी थी, वो सारा बहुत खराब हो जाएगा और बहुत बड़ा एक डिक्रीज पॉइंट आ जाएगा चंद्रयात्री के। दोस्तों, विक्रम लैंडर के पास वो एल्गोरिदम और AI था जो कि प्रज्ञान रोवर के पास नहीं है। विक्रम लैंडर के पास एडवांस AI था जो कि खुद डिसीजन ले सकता था, और एक और बात, उसे बस आके एक जगह पे लैंड हो रहा था, सिर्फ एक जगह चुननी थी उसे, चंद्रमा के ऊपर, क्रेटर्स ना हो, गड्ढे ना हो, और वहाँ पे जाके लैंड कर रहा था सेफली साउंडली। लेकिन दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के पास इतना एडवांस AI सिस्टम नहीं है, वो एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि वो बस 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ही मूव कर रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों, उसके पास कोई ऐसा एडवांस AI नहीं है जो खुद डिसीजन ले ले, उसे यहाँ इसरो में बैठे हुए साइंटिस्ट ही कंट्रोल कर रहे हैं और उसे वहाँ चला रहे हैं। प्रज्ञान रोवर के पास बस 6 चक्के हैं जिनके ऊपर वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है अपने आधे किलोमीटर के दायरे में, यानी कि 500 मीटर के दायरे में। और दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि वो बस 5 वॉट की पावर जनरेट कर सकता है एक समय पे, और उससे जो कैमरा है वो अपने कैमरे से फोटो लेगा, गड्ढों से बचेगा। मगर विक्रम लैंडर जो है वो इतना एडवांस था, उसके पास वो AI था कि वो कई सारे एक्शन साथ में कर पा रहा था, लेकिन प्रज्ञान रोवर इतना एडवांस नहीं है। प्रज्ञान रोवर, उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा इस ट्रैक से, इस ट्रैक जो कि बेंगलुरु में है, इसरो टेलीमेट्रिक एंड कमांड सेंटर जो है, यहाँ में बैठे हुए साइंटिस्ट प्रज्ञान रोवर को मून पे चला रहे हैं, मूव करा रहे हैं 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर। वहाँ के साइंटिस्ट के पास सारी कंट्रोल है जो कि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसे प्रोसेस भी कर रहे हैं, अपने हाथों से ऑपरेट कर रहे हैं, रात दिन एक कर गया वो साइंटिस्ट। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इसलिए 14 दिन में 1 सेकंड भी बर्बाद करना ऐसा है जैसे कि मानिए खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, क्योंकि इतना पैसा लगा के, बजट लगा के सक्सेसफुली लैंड हो गया चंद्रयान 3, इस पे सारे भारतीय को गर्व है, लेकिन हमारा प्रज्ञान रोवर, उसको भी पूरी मेहनत करनी होगी, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम भी इतने बेताबी से देख रहे हैं आकाश की ओर, आसमान की ओर और अंतरिक्ष की ओर कि हमारा प्रज्ञान रोवर क्या कर रहा है। चंद्रमा भी आज हमारे इसरो के और हमारे नेशनल एम्बलप की छाप छूट गई है जो कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसी हजारडियस प्रॉब्लम आ सकती है चंद्रमा के ऊपर जिससे प्रज्ञान रोवर को बचाना होगा। उसके पास 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाए हैं उसके आगे, जो कि उसको आगे क्या है, क्या अड़ंगी आ सकती है, क्या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, उससे बचाने के लिए, ताकि इसरो के साइंटिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ बैठे बैठे देख लें कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है और वो उसकी डायरेक्शन बदल सके या उसे वहाँ से बचा सके। 1 सेंटीमीटर जलता है बस 1 सेकंड में। दोस्तों, इस गति पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको और पेलोड्स लगे हुए हैं उसके अंदर, क्या डिस्कवरी करेगा ये सब आपको अब सारी वीडियो में बताते रहेंगे, बने रहना हमारे पास चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ऑटो करेक्ट मेथड नहीं है प्रज्ञान रोवर के पास, यानी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि उसे खुद ब खुद ठीक कर दे, यानी कि मानिए कि अगर वो गलती से कहीं टकरा गया और पलट गया, उल्टा पलटा हो गया, दोस्तों उसके पास वो पावर नहीं है कि वो खुद को सीधा कर ले, जैसे कॉकरोच होता है तो उल्टा हो जाता है वो सीधा नहीं हो पाता, चाहे कितना भी हाथ पर मार ले, इसलिए उसे सीधा ही मूव करना होगा और थूक थूक के कदम रखने होंगे ताकि कोई ऐसी इधर से उधर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर की भी इधर उधर ना, देर फिर ना हो जाए। दोस्तों, इसलिए उसको मूव कराना होगा यही इसरो में बैठे हुए। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि चंद्रमा के ऊपर जो धूल है वो चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, यानी कि उसके पार्टिकल जो है वो चार्ज हैं,
क्यों चार्ज नहीं, क्योंकि सोलर विंड डायरेक्ट पहुंच रही है चंद्रमा की सतह पर और वहाँ की जो मिट्टी है धूल है वो चार्ज हो गई है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एनवायरमेंट नहीं है जैसे कि पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए सूर्य की रोशनी डायरेक्ट वहाँ पड़ती है। अगर वो पड़ गई इंजन के ऊपर या फिर उसके मैकेनिज्म के ऊपर या फिर सब मशीनरी जहाँ से वो सोलर एनर्जी को जनरेट कर रहा है, सोलर पैनल्स जो हैं उसके ऊपर चिपक गई, तो वो सोलर एनर्जी को यूज करके बिजली नहीं बना पाएगा, इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी ये दिक्कत हो सकती है, अगर वो धूल उसके कैमरों पे लग गई तो फिर इसरो के बैठे हुए साइंटिस्ट उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें नज़र ही नहीं आएगा सामने क्या है दोस्तों। और क्योंकि चांद के पास इन्वर्टर नहीं है, इस वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है, और इसलिए वहाँ की धूल मिट्टी में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों 14 दिन के बाद क्या होगा, अब आते मेन टॉपिक के ऊपर जो हमने आपको बताया था, वादा किया था। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि 14 दिन के बाद होगा क्या, 14 दिन के बाद क्या होगा। 14 दिनों तक ही सूरज की रोशनी पड़ रही है, तब तक तो वो जिंदा है, लेकिन उसके बाद क्या। एक और बात बता दें कि 50 वाट की एनर्जी बनाता रहेगा वो जब तक कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती रहेगी, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाएगा तब वो बिजली नहीं बना पाएगा, तो उसके बाद करेगा क्या। उसका साइज़ जो है ना दोस्तों एक छोटी सी शॉपिंग जो ट्रॉली होती है उसके बराबर है, और ये फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे सोलर पावर मिलनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मगर फिर चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ना बंद होगी तो डिस्चार्ज हो गए, समझना आ गई बात। लेकिन अगर फिर से सूरज कभी ना कभी तो निकलेगा, कभी तो रोशनी पड़ेगी, तब क्या होगा दोस्तों। वहाँ पहले आप चंद्रमा को समझिए, वहाँ 14 दिनों का दिन होता है, 14 दिनों की रात होती है, जो यहाँ 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन है, वहाँ 14 दिनों का दिन है, 14 दिनों की रात है, यानी कि वहाँ 28 से 29 दिन का एक दिन होता है। यानी वहाँ जाएंगे तो 28 और 29 दिन होंगे, और उसको कंपेयर करेंगे पृथ्वी के एक दिन के साथ। दोस्तों वहाँ का एक दिन पृथ्वी के 28 से 29 दिनों के बराबर होते हैं, और जो यहाँ के 24 घंटे होते हैं वहाँ 28 दिन होते हैं, और उनके 28 दिनों के अंदर 14 दिनों का दिन होता है, 14 दिनों की रात होती है। दिन में तो सोलर एनर्जी मिल रही है, वो ऑपरेट करेगा अच्छे से, पीआर बेहतरीन काम करेगा, लेकिन जब 14 दिनों की रात होगी तो दोस्तों उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसे एनर्जी नहीं, और 14 दिनों तक उसे बंद रहना पड़ेगा चंद्रमा की सतह के। लेकिन फिर निकलेगा सूरज तो वो क्या चार्ज हो जाएगा दोस्तों, चार्ज तो हो जाएगा, वो ऑपरेटिव हो जाएगा, लेकिन वहाँ रात को टेम्परेचर -200 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे। और दोस्तों अगर इतने ज़्यादा टेम्परेचर, उसकी मशीन्स ख़राब हो सकती है, उसकी तो इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, तो पता नहीं वो काम करने लायक बचेगा कि नहीं बचेगा 14 दिनों की रातों के बाद, यानी कि वो 14 डेज जो होंगे जहाँ पे अंधेरा रहेगा, सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई खास नुकसान नहीं हुआ तो शायद वो ऑपरेटिव भी हो, इसलिए ये कहना कि वो 14 दिन के लिए ही ऑपरेटिव है ये गलत होगा। दोस्तों अगर आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि हम ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। फिर मिलेंगे इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।